ओके ब्रो, प्रूफ होता है जाप खजाना जो भी होता है ना वहाँ शांत में घूमती है या नागराज घूमता है, लेकिन इसको कोई हम वो नहीं करने वाले। हम अर्जुन आराम से पास में मत जा, अरे पास में मत जा, अरे मान जा भैया। अरे पावड़े से मत करो, अरे अभी तक मेरे हाथ लगो इसके, अभी तक क्या होता होगा भैया, किसने करा होगा भैया, कौन निकल गया बस एक सब हाथ लगा लिया, एक दूसरे के लगा लिया। जय गणपति अब्बा भैया, हड्डी जड़े कोई पेड़ की जड़ाई दोस्तों, पेड़ की जड़ाई। तो दोस्तों पूरे 82 दिन बाद आपके भाई को परमिशन मिल गई इस जगह पर खुदाई करने की। दोस्तों आप सभी को पता है कि राजा मान सिंह का परकोटा यानी यहाँ पर शापित खजाना दफन है, और अभी तक मैं गवर्नमेंट से हमें परमिशन नहीं मिली, लेकिन फाइनली गवर्नमेंट ने बोला कि तुम अपने रिस्क पर खजाने को निकाल लेना। तो दोस्तों जिसने निकालने की कोशिश करी ना भैया, या तो उन घर में डेथ हो गई या वो खुद मर गए, लेकिन फिर भी बाबा जी का दिया हुआ अभिमंत्रित जल की सहायता से हम यहाँ पे खुदाई करने वाले हैं। बाकी एग्जैक्ट जगह हमें नहीं पता है, तो ये भी बताएंगे जो आज आपको बताएंगे। ये है मशीन खजाना ढूंढने की, पानी इससे बताते हैं। आज हम खजाने पे भी ट्राई करते हैं इसको कि ये कैसे वास्तव में रियल में बताते। बाकी जो प्राचीन समय में जो खजाने की जो होती थी ना भैया, इसी तरह से होती थी बिल्कुल। अब लेते हैं इसको ट्राई करते हैं दोस्तों। तब से हम ट्राई करके हमें परमिशन मिले, लेकिन फाइनली आज 82 दिन बाद हमें परमिशन मिल चुकी है। और परमिशन लेते सेकंड टाइम तक लगाया हमने इधर पहुंचने में, तो तुरंत हम यहाँ आए इधर मसाला में। और दुआ करो भगवान से कि यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ मिले, और कुछ ना कुछ मिलता है ना भाई, 20% आप सभी में डोनेट किया जाएगा, और बाकी सारा हिस्सा गवर्नमेंट का होगा भाई, हमारा कुछ भी नहीं है। देखते दोस्तों क्या होता है और क्या नहीं। दोस्तों सुबह से आके यहाँ पर खड़े हैं, चारों तरफ हमने चेक कर लिया, लेकिन एक जगह हमें लास्ट जो लोकेशन है और रात अंधेरा होना, वो लास्ट बार ट्राई करते हैं अगर कुछ मिलता है। हाँ बोलो जय श्री महाकाल। जय महाकाल। और ये जो चीज कर रहे हैं ना वो रियल में होती है भाई, जो भी होगा देखा जाएगा। एक बार बोलूं, शापित का जाना है सब कुछ केयरफुली रहना है, क्योंकि ऐसे खजाने के आसपास चीजें बहुत भटकती है, भूत प्रेत आत्माएं। ये क्या हुआ क्या? रुको रुको रुको, अब उसे वो कर दो पहले जल्दी। अर्जुन दूर दूर जा, जल से आता मंदिर। इसको यार डूब करो, इसका हैं डूब करो इसका। ये अर्जुन भाई अर्जुन सुनो, इसको रिपोर्ट लेके आओ। ये बात सुनो, जल्दी करो, जो भी करना है जल्दी करो। अर्जुन हो रही है जाप खजाना जो भी होता है ना वहाँ शांत में घूमती है या नागराज घूमता है, लेकिन इसको कोई हम वो नहीं करने वाले। अर्जुन आराम से पास में मत जा, अरे पास में मत जा, अरे मान जा। और अपनी किसी को नहीं छेड़ना, आप किसी को मत छेड़ो भाई। दोस्तों पता नहीं, देखो दोस्तों श्री गणेश कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें कुछ पहले गणेश जी को नहीं कहीं पे रख देते, यहाँ पे खुदाई होगी ना भाई। हाँ जिस जगह में खुदाई होगी, जिस जगह बात नहीं, भगवान अपने साथ इन्होंने गोला बनाया ना हाथ से, गलत इरादा नहीं है भाई, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। हमको मजा नहीं आई खुदाई, हम बिना कैमरा ऑफ करके भी कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हर चीज का प्रूफ रहे, और आप चीज सब अपने आंखों से लाइव देखो, इस वजह से हमने कैमरा ऑन कर रखा भाई। करो गणेश जी को स्थापित करो आपने। जय गणपति बाबा। जो भी करो जल्दी करो दोस्तों, दुआ करें, हम सभी पूरी कोशिश करेंगे। एक बार बोलो भैया, जब साफ है ना भाई, एक अभी तक जितने भी है कि ये ना जो जा खजाना होता है, या तो भूत प्रेत आत्मा घूमती है, या सांप के पास जाता है, ये
बात समझ में आ रही है। लेकिन अपन पूरी प्रक्रिया ये विनायक जी ये गणेश जी यहाँ पे है अब वो जगह। लेकिन भैया इनको धूप वहाँ करेंगे। अच्छा यहाँ पे करें यहाँ क्या पैरों पैरों में नहीं चरणों में नहीं चरणों में तो गणेश जी की पूजा कर रहे हैं उसके बाद में यहाँ खुदाई शुरू करेंगे। देखते हैं अगर कुछ भी होगा ना ये धूप बत्ती है कुल मिलाकर हमें यहाँ कुछ भी मिलेगा तो ये वीडियो अपलोड होगी और नहीं मिलेगा तो नहीं होगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप समझ जाओ। बोलो जय गणपति अब्बा मोरिया गणपति बाबा बस कृपा बरसाना राजराज्य मालिक पीछे देखना और जो हम प्रयास कर रहे हैं ना हम लोगों की सेवा के लिए कर दिए पूजा। आप देख सकते हो गणेश की पूरी पूजा हो चुकी है यहां पे हम करते हैं स्टार्ट। चलो बाकी बोलो साथ काम करने बिल्कुल 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 अपना 8:15 हो चुकी है और बिल्कुल सुन देखो भैया वो यहां से हिल नहीं रहा है तो ये जगह लग रहा है कि इस जगह कुछ हो सकता है। जय श्री राम इसलिए यही खुदाई कर रहे हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम पूरा यूं खोदो भैया ये जो जो लकीर है ना इसके अंदर अंदर खोदना हाँ बाहर नहीं। दोस्तों ऐसा नहीं है हम सुबह से ट्राई कर रहे हैं फाइनली हमें लगा अब है ना ये जो लास्ट जगह लास्ट कोना है इसे चेक करते हैं और यहाँ पे है ना हम परमिशन कब से लेने जा रहे हैं गवर्नमेंट के बिना काई भी खुदाई नहीं करते भाई और मिली नहीं परमिशन और परमिशन अब मिली है हमारे को और फाइनली यहाँ पे हमारा कामयाबी हासिल होगी 100%। अब तो अपने भगवान अपने साथ है भाई। अर्जुन ठीक है सही यार शुभ काम हो रहा सारा शुभ काम हो रहा है कोई नहीं अपन ठीक गणेश जी की सब चीज अपन मान के चल रहे। देखो अगर गलत चीज पे होगी ना भाई अपन को गलत कर्म करास्त करे ही नहीं है और अपना उद्देश्य ये अगर कुछ मिलता भी है ना भाई या आधा गवर्नमेंट का थोड़ा सा हिस्सा अपना बाकी डोनेशन में जाएगा। जो कुछ मिलेगा तो 2% हिस्सा अपना बाकी डोनेशन डोनेशन है बिल्कुल डोनेशन करेंगे और मंदिर में ज्यादा करेंगे। मंदिर हो गए मंदिर है गो माता पे बहुत ज्यादा करेंगे भाई। जो भी भाई पैरालाइज हो आर्थिक स्थिति से परेशान हो को गूंगा बहरा हो गया ऑपरेशन के लिए वो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। जो भी भाई है जो अपने आर्थिक स्थिति को बता नहीं सकते लेकिन कमेंट जरूर करना भाई जब भी हमें आपको बारे में पता चलेगा हम आपकी सहायता करेंगे और अपना एड्रेस जरूर लिखे कि कौन से शहर से और कहां से निकल रहा हूं मैं। ये वो सर्च करो और सर्च करो खोजने दे यार बाकी देखो दुआ करोगे कुछ ना कुछ मिले भाई कमेंट में दुआ करते रहना कि और भी नजारा मिले और आप भी मदद और हम जीवित रहे भाई सबसे बड़ी दुआ ये चाहिए मुझे यहां जाओ वरना ये काम छोटा मोटा नहीं है भाई यहीं रहो भाई पूरी टीम लगी पूरी निगरानी रखना और अपन नहीं एक लोग जो यहां पे खुदाई कर रहे हैं आप लोगों ने खुदाई करी है उनकी मौत हो चुकी है ये देखो ये तो निशान निकले पूरी खुदाई करी हुई है लोगों ने कर रखी है यहां पे पहले खोदा ये जेसीबी से पूरा खोद रखा बिल भी बहुत बड़े बड़े सांप का ध्यान रखना जमीन को टाइट है ये कम से कम दोस्तों 13-14 फीट खुदाई जेसीबी से ऑलरेडी कर चुके हैं लोग ये 13-14 फीट की हाइट होगी और आराम से नहीं छे थे भैया नहीं भैया ये होगी अच्छा ऊपर भी तो कितनी मेहनत लग रही है सबको खोदने में आ रही है। अर्जुन भाई आप भी खोदो यार सब थोड़ा थोड़ा खोदो अरे नहीं क्या ये क्या हड्डी जड़े जड़े ठीक है अच्छा जड़े 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 भाई जड़े जड़े कोई पेड़ की जड़ाई दोस्तों पेड़ की जड़ाई नहीं भैया नहीं जड़े भैया जड़े छाप है जड़े छाप है नहीं जड़े जड़े भैया जड़े जड़े दोस्तों आगे अपना और दोस्तों सांप है ना अभी तक वहां से हिला नहीं देखो दोस्तों ये रहा उसे छेड़ो मैं उस पे गोमूत का और छिटा दे दो ताकि वो कहीं बस अपने को परेशान नहीं करे बस मिलेगा भैया अरे
सवाल लगा लिया, एक दूसरे के लगा लिया। तो दंग से रो, यहाँ पर नाक भी निकल सकते हैं अंदर। सही बोलो भाई, देखो सही बात है। और अभी तो क्या स्टार्टिंग करी है, देखो ये पावडर से कूदेगा भाई, देखो वो जरा वो टाइट मिट्टी, देखो पावडर से कूदेगी। बेस मत करो, उसको संभाल के रखो दोस्त, ये देखो टुकड़ा मिला है। बैग था ना बैग, अपना काला वाला बैग, अरे अपना काला वाला बैग था ना अर्जुन, वो काला वाला बैग लेके उसमें डालो उसको। अरे कुछ नहीं भाई, अरे यार सामने मत रहो, कोई भी आगे गलती से लपड़ा हो जाएगा। और निकाल दो, कोई टेंशन नहीं, ज्यादा होगा ना। अरे काम करें, एक मिनट खोल लो ना, हेलो इसमें डालो वजन कितना उसमें यार। अरे आप हाथ से खो दो, हाथ से नहीं कूदेगा, हाथ से नहीं कूदेगा भाई, छोटे मोटे ये तो पत्थर के टुकड़े निकल रहे हैं। दिखाना अर्जुन, हाथ में दिखाना अर्जुन, अर्जुन दिखाना की लेट से और क्या चाहिए भाई। अर्जुन अर्जुन हाथ 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 इसमें डाल लो। नहीं नहीं, अरे कोई आ जाएगा, रख लो यार, मैंने बोला ना इसको डाल लो कपड़े में यार। देखो हाको मत करो, हाको कह रहे हैं तो दिक्कत हो जाए, कोई आ जाए ना, कोई आ जाए कपड़े जाए। दोस्तों आपको पता है जंगली है यहाँ पे ना, चारों तरफ है ना पत्थर ही पत्थर है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका पूरा। अरे कोई यहाँ पे आ गया ना, यहाँ से जाना अपनी निकलना, दिक्कत हो जाएगी। गोल्ड गोल्ड वजन है, इसमें वजन है, बहुत अच्छा लगा, अच्छा बोल दिया, अच्छा कम से कम छुपा लो। अरे नहीं 350 ग्राम का है, आधे किलो का तो नहीं है, उससे कम है, 350 ग्राम का समथिंग है, 350 ग्राम का सोने का भाव देखो भाई, अच्छा क्या 350 ग्राम का ये गोल्ड का। एक मिनट देख रहो, अगर कहीं भी चीज नहीं जावे ना इतनी इतनी खुशी मत बनाओ, क्या बता यहाँ से बाहर नहीं निकल सके। अर्जुन अर्जुन कोई दिक्कत नहीं है यार, यहाँ कुछ बोला टुकड़े मिल रहे पत्थर जैसे यार, सोने के टुकड़े निकले चीज हो रही है क्या निकाल के रखो सारा यहाँ पे, इस जगह इधर रखो, इधर कैमरे में लाओ, कैमरे में लाओ, 8-9 ग्राम का है, हाँ से ढूंढो छोटे छोटे टुकड़े, इस बजरी में भी चल गए होंगे साइड आकर, छान लेंगे बजरी को तो कोई दिक्कत नहीं, छान लेंगे। ये मिला है 350 ग्राम में, ये आधा किलो से ऊपर है, 8 ग्राम ये 8 ग्राम के अंदर और होंगे। अरे मोटा मोटे छान लो यार, रखता हूँ मैं। ओ भाई, अरे ओ यार, मैं लगा वो मंदिर के अंदर यूज की हुई होगी। ओ भाई ओए, एक और अर्जुन, अरे रेगुलर खोदो, रेगुलर खोदो, रेगुलर खोदो भाइयों, और जल्दी जल्दी खोदो यार, ऐसी खोदा ना, तबीयत खराब हो रही है। ले लिया, गंगा जल डालो, गंगा जल। ओए भाई, ओए गंगा डिग, ओए भाई शराब पीते खजाना, ये बोल रहा हूँ मैं भैया, यार खजाना तो बहुत भाई, बहुत खजाना है, बहुत ज्यादा खजाना है ये भाई, होगा यार ये कम से कम। भैया शराब पी दो सकते हैं, सुनो 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 सुनो, ओए ओए के, ओए ओए ओए, अब पूरा प्रति नीचे लग रही सोने की, पूरी चट्टान लग रही है, जो मंदिर बनाता ना वो सोने से बनाया होगा, उसके जो सामान वामान होंगे ना जो इसके अंदर रह गए होंगे भाई, इसका नीचे पूरा मंदिर हो, पूरा मंदिर हो दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है इसके नीचे पूरे सोने का मंदिर हो अभी भी। एक बार मत करो, सुनो सुनो देखो, नहीं भैया साफ देखो, ये है ना, सुनो
ये जा रहा है, लेकिन है ना इसके नीचे आप कह रहे हो जैसे कोई मंदिर हो सकता है, लेकिन है ना अपने पास कोई है नहीं सेफ्टी या बाबा बाबा को किसी ये बोल रहा हूं मैं, जब से चलाई है तभी खराब लगी है यार, खोद के देखने की कोशिश करो थोड़ा थोड़ा, वो देखो ना गण भाई, देखो बात बोलूं ज्यादा खुदाई करो मत, जेसीबी लानी पड़ेगी यार, ऐसे कुछ नहीं होगा भाई, काम करो, सुनो सुनो ये बारीक कितना होगा, मेरी बात सुनो, इसको वापस यहीं बूर दो, ऐसा कर दो, ना 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 छोड़ नहीं सकते, नहीं भैया छोड़, नहीं इसको यहीं बूर दो, अरे किसी को पता नहीं पड़ेगा, सुनो यहाँ बूर दो, अरे जेसीबी लेके जेसीबी लेके आते हैं, जेसीबी लेके आते हैं तो ऐसे करते हैं बूरते और इसको छुपा देते हैं, इसको कहीं छुपा काम करते हैं रेगुलर खोदते हैं बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात बता लू इससे कुछ नहीं होगा, यहाँ पर और भी कुल मिला का अपन को जगह मिलनी थी, जगह मिल गई, इसको कल खुदाई करेंगे और यही टेंट लगा के यही रहते हैं अभी रात भर, जिसे बुलाओ आज नाइट यहीं यहीं स्टे करते हैं, यहीं सोते हैं, क्योंकि जगह छोड़ते नहीं भाई, साक्षात भगवान ने जगह बताई नारियल के द्वारा, बिल्कुल नारियल के सब पहले पानी की बोतलें और खाने का सामान लिया उधर, ये करो दो चार जने जाओ खाने पीने सामान ले आओ, टेंट का इसको वापस गाड़ दो, इसको वापस गाड़ दो, इसको वापस गाड़ दो भाई, जो मिला उसको साथ में रख लो, इसको लो इसको लो भैया, इसको इसको लो ना, इसको लो भैया, लो चलने दे भैया, आप खड़े हो खड़े हो, नहीं दोस्तों फाइनली जिस चीज के ऊपर काम शुरू करता वो सक्सेसफुल, ये रहा हाथ में, ये लो इसकी जो ये आएगी अब चेकिंग गवर्नमेंट के पास जाएगा, इसकी जो रिपोर्ट आएगी बन के मैं आप सबको दिखाऊंगा कितना क्या है, रिपोर्ट सब पूरे सारे सारे ऑडियंस को सबको दिखाएंगे, कितना पुराना है खजाना है कहाँ का है क्या सच में राज, और बाकी दोस्तों जब 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 तक यहाँ से की कोई ईटे है या पत्थर है और जब तक यहाँ से सारा खजाना निकलता है ना, नहीं निकलेगा जब तक हम सब यहीं रहेंगे, अब घर कोई नहीं जाएगा, जितने भी जने यहाँ पे ना सभी यहीं रहेंगे, और ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए अभी, ये शाइनिंग देखो, शाइनिंग हो सकता कोई, ये देखो क्या शाइनिंग देखो, उजागर हो जाएगा, अभी चलो अभी चलो, ओए होए देखो शाइनिंग देखो, अभी इसे ना बिना यहाँ पर ले जा सकते एकदम, नहीं घर पे ले जाओ, यही रख दो, यही रखते देखो, यही रखते, यही हम रहेंगे, अब यही रहेंगे जब तक पूरा नहीं निकले, तो यही रहेंगे, अब अपने कुछ भी हो जाए, कपड़े लगते खाने पीने के साथ।